यदि कोई मनुष्य एक शब्द में यह पूछे कि जीवन को सफल उन्नत बनाने का मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी ही हमारे बहुत सी पराजय या हार का कारण बनती है। वे सबसे कमजोर हैं जिन्हें अपने आप पर तथा अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं। ऐसे लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है जिससे मैं ऊंचा और सब प्रकार से बड़ा बन सकूं। वह व्यक्ति जो यही सोचता करता है कि वह ऊंचे पद के योग्य नहीं, भला किस प्रकार उस पद पर पहुंच सकता है? जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं क्या हूँ, वह शीघ्र ही जान लेगा कि मुझे क्या होना चाहिए। कहना ना होगा कि मनुष्य जीवन की दिशा में आत्मविश्वास का अद्भुत प्रभाव रखता है। सफलता घर बैठे बिठाए प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने से पहले सफलता के लिए मन में दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मनुष्य न कर सकता हो। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं जिसके उपयोग से आप वंचित रह जाए। यदि मन ही मरा हुआ हो तो शरीर क्या करेगा? देखिए, एक कवि आपसे क्या कहना चाहता है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, मैं होड़ लगाया करता हूँ मझदारों से। संसार के सभी व्यक्ति की सफलता के मूल में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का ही हाथ रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए आत्मविश्वास को आज हम एक प्रेरक प्रसंग द्वारा समझते हैं। परीक्षा फल सुनाने प्रचार खड़े हुए, सभी विद्यार्थियों के नाम पढ़े जाने लगे। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम नहीं बोला गया। अनुशासन प्रिय प्रचार ने कहा, तुम अनुत्तीर्ण होंगे। उस वर्ष वह बालक बड़े लंबे समय तक मलेरिया से पीड़ित रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा। ऐसा नहीं हो सकता, बालक ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा ही है, प्रचार ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ तुम बैठ जाओ, आगे कुछ भी बोले तो जुर्माना होगा। मैं उत्तीर्ण हूँ, इसमें मुझे संदेह नहीं। 5 रुपये जुर्माना, विद्यार्थी दृढ़ता से बोलता चला गया कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। प्रचार जुर्माने की राशि बढ़ाते गए, वह पहुंच गई 50 रुपये तक। तभी लिपिक दौड़ा दौड़ा आया और बालक को संकेत से समझा दिया। बाद में पता चला कि बालक ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। वह बालक था राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।